नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में एक और जहां जगह जगह पर धार्मिक रैलियों में पथराव और सांप्रदायिक दंगों की खबरें कानों में कड़वाहट घोल रही है, वहां कोटा में कौमी एकता के तरानों ने मिठास घोलने का काम किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संभाग संयोजक इरशाद अली की अगुवाई में आज हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मिलकर नई पहल की, जिसमें हिंदुओं ने अल्लाहू अकबर और मुस्लिमों ने जय श्री राम के नारे लगाए। दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने मिलकर भजन भी गाए। इरशाद अली ने कहा कि भारतीय संस्कृति शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलती आई है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इसने सभी धर्मों, मजहबों, मान्यताओं, पूजा पद्धतियों को बिना किसी भेदभाव के आत्मसात किया है। ऐसे में हम सभी भारतीयों का दायित्व है कि केवल धार्मिक आधार पर एक दूसरे को कांटा बनकर चुभने के बजाय फूल बनकर भारत रूपी गुलदस्ते को महकाएं। कुम्हेर क्षेत्र के गांव सहू में अंबेडकर जयंती के दौरान दो समुदायों के बीच हुई मारपीट के बाद गांव सह के जाटव समुदाय के लोगों ने गांव से पलायन करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सैकड़ों की संख्या में महिला, बच्चों और पुरुषों ने पलायन किया। वहीं हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने भरतपुर की ओर पैदल पलायन किया। बता दें कि शोभा यात्रा के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उक्त मामले में प्रशासन के समझाने के बाद भी ग्रामीणों का पलायन नहीं रुका। दबंग हमारे गांव के कुछ व्यक्ति हैं, दबंग व्यक्ति हैं, जैसे लखो सरपंच है, ये हमको बार बार परेशान कर रहा है। हमारे ही बच्चे मारे पीटे हैं और हमारे ऊपर इस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पानी बंद कर दिया, जब पीने का बंद कर दिया, हर रोज तंग कर रहा है, हर रोज आकर के हर तरीका की धमकी दे रहा है। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग की शिशु नर्सरी में बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार शिशु नर्सरी में वार्मर की हीट बढ़ने के कारण दो मासूमों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही चिकित्सालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया। उधर हादसे की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी राहुल जैन और सहायक पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा पुलिस सहित राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की MCH विंग में पहुंच गए। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण तकनीकी फॉल्ट सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार शिशु नर्सरी के एक वार्मर में सोमवार रात को अचानक हीट बढ़ गई, जिसके कारण वार्मर पर भर्ती दो नवजात शिशुओं की हालत बिगड़ गई। मौके पर तैनात स्टाफ ने भनक लगते ही तुरंत अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद शिशु रोग विशेषज्ञों ने दोनों बच्चों की जांच कर उन्हें उपचार देने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। वहीं चिकित्सकों ने तुरंत एहतियात बरतते हुए शिशु नर्सरी में भर्ती अन्य शिशुओं की भी जांच की, जहां सभी का स्वास्थ्य सामान्य मिला। वहीं एहतियात बरतते हुए MCH विंग में सर्किल का पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। घटना है जिसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि तकनीकी खामी की वजह से ये चीज़ हो गई और इसकी फिर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, और जांच करने के साथ में पूरे निर्णय के साथ ही हम पुख्ता बात कह पाएंगे। एक एक हॉस्पिटल प्रशासन से कि जो NICU वार्ड है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वोल्टेज फ्लक्चुएशन था या मशीन का इशू था, उस कारण से सडनली दो बच्चों की मर्निंग हुई है, और इसकी सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन और प्रशासन दोनों मौके पर पहुंच गया था। डॉक्टर्स के द्वारा उन बच्चों को बचाने की कोशिश भी की गई, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बाकी बच्चे स्वस्थ थे, उनके तुरंत मौके पर पहुँच के तुरंत डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया था। डॉक्टर्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी मशीन्स को तुरंत चेक किया और बाकी मशीन में कोई इशू नहीं था, पर उनके बच्चों को नहीं बचाया जा सका। और इसके बाद बाकी सभी जो भी बाकी बच्चे थे उनके पेरेंट्स को भी उनके बच्चे से मिलवा दिया गया है और सभी को आश्वस्त कर दिया गया उनके बच्चे स्वस्थ हैं। बूंदी के हिंडोली में पशु चिकित्सालय में अव्यवस्था का मामला सामने आया है। चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं से परेशान पशुपालकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं पशुपालकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने से चिकित्सक भड़क गए और उल्टा पशुपालकों को धमकाना शुरू कर दिया। लेट आने की शिकायत पर चिकित्सक ने कहा कि मैं तो लेट ही आऊंगा। इतना ही नहीं, प्रदर्शन को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों से कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। पूरा मामला यह है कि आम जनता को देख के आम जनता को परेशानी हो चुकी है। यहाँ आके निरीक्षण किया, डॉक्टर साहब अनुपस्थित मिले यहाँ, और उनसे अगर फ़ोन पे बात हुई तो उनका जवाब था कि मैं मेरी ड्यूटी यहीं से करता हूँ पुलिस। डॉक्टर साहब का ये रवैया बहुत ख़राब है। उन्होंने ये कहा है कि आप पंचायत क्यों करते हो फालतू, वो पंचायत करने के लिए बोलते हैं आम जनता के लिए, और वो यहाँ पर अनुपस्थित नहीं है, 10:30 बज रहे हैं। एक आमजन होने के नाते जो गाँव के लोग जब शिकायत करते हैं, तो आज पशु चिकित्सालय हिंडोली का कनेक्शन किया गया। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ना तो डॉक्टर साहब 8 बजे की ड्यूटी टाइम है, 10 बज रहे हैं अभी तक भी कोई यहाँ पर अटेंडेंस है नहीं उनकी। इस प्रकार की काफ़ी सारी पर्चियाँ हैं
और जिसमें कि वो प्राइवेट जो कि ये टेबलेट वगैरह दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं वो है यहाँ पर, और ऐसी काफ़ी सारी है। तो अभी फिलहाल दो फरियादी यहाँ पर हैं, तो दो पर्चे मेरे पास है जिसमें वो बाहर की दवाई लिख रहे हैं। ये सरासर गलत है। जब 133 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो गवर्नमेंट जब फ्री कर रही है, फिर आदमी को क्यों बाहर भेजा जा रहा है, क्यों फालतू जनता को परेशान किया जा रहा है। मेरे समस्या है सर, मैं जब भी मेरे जानवर को बेस को यहाँ ओंडली हॉस्पिटल में लेके आया तो अभद्रता हुई मेरे साथ, और यहाँ किसी प्रकार की मेरे को बेस की दवाई नहीं मिली। यूँ ये पर्चे है साहब मेरे पास, ये हॉस्पिटल की, ये मेडिकल की, जब भी आया जब मेडिकल की दवाई लिखी सर, और इन्होंने ये कहा अगर लगवाना हो तो लगवा, नहीं तो बाहर निकल यहाँ से। अब मेडिकल से दवाई जल्दी ले गया। नैनवा में छोटी पड़ाव बालाजी के स्थान पर तोड़फोड़ के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जय यादव के दिशा निर्देशानुसार गठित टीम ने छोटी पड़ाव बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती के दिन हुई तोड़फोड़ के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में मामले का खुलासा किया है और घटना को अंजाम देने वाले हेमराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 अप्रैल 2022 को एक घटना हुई थी, मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर छोटी पड़ाव 2 किलोमीटर लगभग नैनवा हमारा जो पुलिस थाना है उससे, वहाँ पे पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे जो धार्मिक हमारे किताबें हैं और वो रसीद हैं और जो मूर्तियाँ हैं उनके साथ छेड़खानी करी गई, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे सीओ नैनवा और एसएचओ नैनवा अपनी टीम के साथ वहाँ जाते हैं, मौके पर जाकर स्थिति को देखते हैं। उसके बाद महावीर शर्मा जो पुजारी हैं मंदिर के, उनसे रिपोर्ट लेते हैं जिस पे मुकदमा दर्ज करा जाता है। घटना लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में जो पुजारी हैं वो बताते हैं कि मैं इस समय ने मंदिर में था, इस समय की घटना है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। आखिरकार 48 घंटे में ही ऐसे संवेदनशील मामले में पुलिस को सफलता मिलती है और हेमराज खरेड़ नाम का व्यक्ति जो उसी गाँव का है, जो थोड़ा मानसिक परेशान है, वो इस घटना को करता है। अजमेर के विजयनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 दिन में लगभग 100 व्यक्तियों ने आवेदन किया। वहीं पालिका ने 500 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि विजयनगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पालिका क्षेत्र में निवास करने वाले मध्यम और निम्न आय श्रेणी वर्ग के अपने घर का सपना साकार करेगी। अधिशासी अधिकारी विकास कुमावत ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण और विस्तार में निम्न आय श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को सरकार 30 वर्ग गज तक के आवास निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए राशि का अनुदान देगी। पीएम आवास योजना के तहत जो फार्म कल वितरित किए गए थे, वार्ड के अंदर सभी वार्डवासियों के जो प्रायोरिटी में रखते हैं उनके फार्म भरवाए गए और उसमें 22 फार्म भरवा के मैंने अभी ईओ साहब को सबमिट किए हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को, जो गरीब आदमी हैं, उनको सुविधा दिलाने के लिए तत्पर हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी हैं जिनके पास भूखंड है, भूखंड का पट्टा है और खाली भूखंड है या फिर कम क्षेत्रफल बना हुआ, अभिवृद्धि करवानी है, इस योजना के तहत 3 लाख से कम इनकम वाले लोगों को सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इसके तहत तो वे सभी लोग पात्र हैं जिनके पास पट्टाशुदा खाली भूखंड है या फिर इस तरह की कोई परिस्थिति जिसमें पिता पुत्र को सहमति देवे, पुत्र का राशन कार्ड अलग है और उसका अलग परिवार है, तो उसको निर्माण करने के लिए भी इस योजना के तहत लोन अनुदान दिया जा सकता है। कोटा जिले के बुढ़ादीत थाना क्षेत्र के मदनपुरा गांव के निकट चलती बाइक का टायर फटने से हुई दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान एमबीएस अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक केदार मदनपुरा गांव के निकट मोटरसाइकिल से जा रहा था कि उसकी बाइक का टायर फटने से मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायल अवस्था में उसे कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। ये 17 तारीख को एक बुजुर्ग आदमी बड़ौदी से वहाँ जा रहे थे, क्या मदनपुरा, उधर से आ रहे थे, जिनकी मोटरसाइकिल अचानक मोटरसाइकिल के टायर फट गए जो गिर गए, गिरते इनकी थोड़ी सी लग गई जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, आज इनकी डेथ हुई। मथुरा सांसद हेमा मालिनी आज ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में लक्ष्मण मंदिर डीग पहुंची। वहां मंदिर के महंत मुरारीलाल पाराशर ने सांसद को फूल देकर स्वागत किया। मथुरा सांसद का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर फूल देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं लोगों ने हेमा मालिनी के साथ सेल्फी फोटो लेने में होड़ मच गई। मथुरा सांसद ने कहा कि जहां जहां ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में लक्ष्मण मंदिर व जो भी धार्मिक स्थल है उन पर हम ज्यादा से ज्यादा जीर्णोद्वार कराए जाए ताकि किसी यात्रियों के लिए परिक्रमा मार्ग में कोई परेशानी नहीं हो। और यहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए हमें कहा गया है और हम मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सांसद मथुरा के बनने के बाद
मुझे ये 84 कोस परिक्रमा हम पहली बार कर रहे हैं, साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं लोगों के यात्री जो आते हैं उनको दे सकते हैं। तो आज तीसरा दिन है तो हम राजस्थान की तरफ आए हैं। आज यहाँ पे भी 84 कोस परिक्रमा है तो यहाँ पे भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे इस एरिया में। जहाँ जहाँ 84 कोस परिक्रमा जाता है वहाँ सब जन सुविधाएँ, टॉयलेट हो, रहने के लिए जगह हो, चलने के लिए जगह हो, ये सब सुविधाएं जो नहीं है आज तक जो नहीं दिया गया है उसको बहुत सुंदर सा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ब्रजमंडल में 84 कोस परिक्रमा का बहुत पुनरुद्धार होने वाला है। बारा शहर के शाहबाद रोड नवनिर्मित न्यू मोटर मार्केट में मंगलवार सवेरे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के सिर पर चोट के निशान है जिससे पुलिस प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मान रही है। मौके पर जांच टीम को बुलाया गया, आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। डीएसपी मनोज गुप्ता ने बताया कि मृतक की शिनाख्त भंवरगढ़ निवासी ब्रिजेश चंदेल के रूप में हुई है, युवक आरसीसी का काम करता बताया गया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। जो आरसीसी मजदूरी का काम करता था उसकी बॉडी जो शिवाजी कॉलोनी मोटर मार्केट बना है नया उसमें पीछे की साइड कॉम्प्लेक्स के पास होगी अभी मौके ही का। बीकानेर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सेल टैक्स विभाग के पास नाले के अंदर भ्रूण मिला जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। भ्रूण पास में मौजूद एक प्राइवेट अस्पताल के नाम प्रिंट थैले में लिपटा मिला, वहीं पुलिस ने भ्रूण को मोर्चरी में रखवाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।